अभी शाम का टाइम है और हम लोग आए हुए हैं बाहर। आज़ान और महरोश बाहर जो है वो खेल रहे हैं। और देखें, ये हमारे घर से बाहर का मंज़र है। ये देखें, दोनों जो हमारे घर हैं उनसे बाहर का मंज़र है और दोनों खेल रहे हैं। बहुत दूर नहीं जाना, वापस आ जाएं आप लोग। वो सामने मेरा घर है और ये हमारा दूसरे वाला घर है और ये इसका फ्रंट है ये वाला। और ये जो है ये बाहर वाला एरिया है, ये रोड है और जहाँ वो अजान और महरोश खड़े हैं वो रोड से उस साइड वाली जगह है। तो आ जाए, हम लोग चलते हैं, आ जाए। अभी हम जा रहे हैं जो हमारे हमारा जो फार्म है जानवरों का, वहाँ हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारी भेड़ें बकरियाँ गाय वगैरह हैं। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं, उस साइड पे दौड़ के जाते हैं और फिर इधर आ जाते हैं। आ जाएं। अच्छा, ये जो है हमारा जानवरों वाला फार्म है और यहाँ पे जो है हमारे जानवर वगैरह होते हैं और काम करने वाला, जानवरों को संभालने वाला एक बंदा हमने रखा हुआ है जो इनकी केयर करता है, इनको चारा वगैरह काट के डालता है। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इनको दरख्तों के साए के नीचे बांधते हैं और जब शाम का टाइम होता है तो इनको बाहर जो सेन है वहाँ पे बांधा जाता है। तो ये जो है ये हमारे जानवर हैं, फॉर्म है हमारा। तो इस फॉर्म के अंदर हमने गाय रखी हुई हैं, 7 गाय हैं, इसी तरह से बैल हैं और इसी तरह से इनके बछड़े हैं, ये देखें। और ये वो फार्म है जहाँ पे हमारे जानवर जो हैं वो होते हैं सारे। वो जो रूम्स हैं वो जब सर्दी होती है या बारिश वगैरह होती है तो वो रूम है जहाँ पे जानवरों को जो है बांधा जाता है। ये और अच्छा, ये जो जगह है यहाँ पे ये रेड़ी खड़ी हुई है तो इसके अंदर जो है ये इनका गोबर वगैरह जो है वो साइड पे डालते हैं, फिर वो जब खुश्क होता है तो उसको फसल वगैरह में डाल देते हैं। और ये जो है ये हमारी भेड़ें बांधने की ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे जानवरों को पानी पिलाया जाता है। देखें, यहाँ पे टैब भी लगी हुई है और जहाँ जानवरों को बारी बारी ला के पानी पिलाया जाता है। और ये वाली जो जगह है ये छोटा सा एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे मुर्गियाँ जो है बैठती है। अभी भी आप देखें कि अंदर जो है मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, वो देखें अंदर बैठी हुई हैं। तो ये उनकी जगह है बैठने की। ये दरख्त हैं सारे और बहुत ही गंदी छाँव है इनकी। और यहाँ पे दिन टाइम जो है जानवरों को बांधा जाता है दरख्तों के साए में। यहाँ पे गाय वगैरह जो है पास ही, वो सारा सामने चारा लगा हुआ है जो कि काट के और जानवरों को डाला जाता है। और ये सारी वो जगह है जहाँ गर्मियों में, गर्मियों के फुल सीज़न में जो है यहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है। और ये देखें कि यहाँ पे थोड़े से अभी प्याज पड़े हुए हैं। हमारी जब प्याज की फसल होती है, जब प्याज जो तब जब तैयार होते हैं तो फिर इन्हीं दरख्तों के नीचे उनको डाला जाता है और साफ़ करके और फिर बेच दिए जाते हैं ज़्यादातर, और कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रख दिए जाते हैं। तो ये अभी कुछ भी थोड़े से पड़े हुए हैं। और अजान और महरोज भी मेरे साथ आए हुए हैं बाहर। शाम का मौसम है और शाम का सॉरी टाइम है और मौसम बहुत ही प्यारा है। और ये देखें, ये चारा है जो जानवरों को डाला जाता है यहाँ पे और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी जो है मैं बाहर आई हुई हूँ और शाम का टाइम है, मौसम बहुत ही प्यारा है और मैंने सोचा आपके साथ जो है मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। तो मौसम जो है वो बहुत प्यारा है और अभी जो है मैं काम से फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा बाहर चलते हैं, मौसम अच्छा है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये जो एरिया है हमारे घर से बाहर वाला एरिया है और यहाँ पे जो है मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया अपने फार्म के बारे में।
कि किस तरह से हमारे जानवरों का फॉर्म है और वहाँ जानवर हैं तो किस तरह से वो कहाँ पे होते हैं गर्मियों में। और इसी तरह से अब हम इधर आए हुए हैं और अभी देखें कि मौसम अच्छा है, इस वजह से जो है वो मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। टोनी टोनी, अच्छा ये है हमारा टोनी। टोनी टोनी इधर आओ, किधर गए थे, बैठो बैठ जाओ। टोनी बैठ गए, टोनी टोनी कहाँ गया था, टोनी किधर गया था, टोनी। अच्छा ये टोनी है और ये बहुत ज़्यादा, वैसे भी आपको पता है कि कुत्ता और घोड़ा जो है वो वफादार जानदार हैं और ये जो है ये जब भी इसे भूख लगती है ना, इसे मैं रोटी डालती हूँ दूध डालती हूँ तो ये मेरे पीछे आ जाता है, मैं जहाँ भी बैठी होती हूँ। तो सच ही कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देता है, तो ये जहाँ भी मैं होती हूँ उधर ही आ जाता है। अभी भी मैं इधर बैठी हुई थी वीडियो बना रही थी तो आके मेरे पास बैठ के आए। टोनी कहाँ गए थे, अभी जो है मैं वॉक कर रही हूँ और शाम को फ्री होकर मैं मस्त वॉक करती हूँ। अपना जो लॉन है इसी के अंदर मैं राउंड लगाती हूँ और इससे जो है आपको वैसे भी पता है कि वॉक जो है वो अच्छी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, तो इस टाइम मस्त मैं वॉक करती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर फ्री टाइम मिले तो आप लोग भी वॉक जो है मस्त किया करें, क्योंकि वॉक के बारे में है कि वॉक जो है वो हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप भी वॉक मस्त किया करें। इसके अलावा ग्रीन टी विदाउट शुगर वो भी लेती हूँ इस टाइम, अभी हेल्दी वाला दूध भी मस्त है और डिनर में मैं वही लेती हूँ और साथ में मैं वॉक भी करती हूँ, हेल्दी वाला दूध भी लेती हूँ। तो आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं वो भी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स मस्त किया करें, काइंडली कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है, हम अपना काम मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, हम आप लोगों से इन टच रहते हैं। तो काइंडली जो है आप लोग हमारे साथ कमेंट के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट में रहा करें और वीडियोस को लाइक मस्ट किया करें, लाइक करें, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो हैं चाहे वो यूट्यूब की दूसरी वीडियोस हैं चैनल की, तो आप मस्ट उनको सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें मस्ट, और कमेंट्स भी मस्ट किया करें, तब क्योंकि इससे हमें जो है हमारी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर करने की का जो है वो पता चलता है, हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो उसका हमें पता चलता है। तो काइंडली आप हमसे कमेंट्स के थ्रू इन टच रहा करें और जहाँ भी हमसे कोई मिस्टेक हो तो हमें बताया करें, आगाह किया करें, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में मिस्टेक जो है वो हमसे ना हो और हम ना करें। तो हमें मस्ट अपनी दुआ में जो है वो अपने याद रखना है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है और अल्लाह पाक आपको आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक जो है वो जिस किसी की भी वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला और मकाम अता फरमाए और अपने हबीब के सदके मेरे अम्मी अबू को भी जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके लिए भी दुआ किया करें, मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी हस्बैंड के लिए, मेरे भाई के लिए, हमें दुआओं में याद रखा करें और मेरी वीडियोज़ को मस्ट जो है वो वॉच किया करें, फुली वॉच किया करें और हमसे इन टच रहा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।